नमस्कार दोस्तों, आप सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा रहेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। ये डिज़ाइन सामने की तरफ से डलता है, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हों तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा है, जिस स्टिच है इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, उन दूसरी ओर करेंगे और तीसरे फंदे में हम 3 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा बुन लिया, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और इसी में एक और फंदा बना लेंगे। तो हमने तीसरे फंदे में 3 फंदा बना लिया। चौथे फंदे में भी हम 3 फंदा बुनेंगे, सीधा बुनते हुए 1 फंदा सीधा बुन लिया, फिर ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरा फंदा हो गया और फिर इसी में एक और फंदा। तो हमने तीसरे और चौथे फंदे में 1 फंदे से 3-3 फंदे बना लिए। अब उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, 1, 2, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ये एक डिज़ाइन हो गया। अब अगला डिज़ाइन, 2 फंदा उल्टा, 1, 2, उन दूसरी ओर करेंगे, तीसरे फंदे में सीधा बुनते हुए 3 फंदा बनाएंगे, 1, ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2, और एक और फंदा बना लिया। तो तीसरे फंदे में हमने 3 फंदा बना लिया। चौथे फंदे में भी हमें 3 फंदा बनाना है, 1, 2, 3, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा। ये हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से तीसरा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, 2 फंदा उल्टा। अगले 2 फंदे में हमें 1 फंदे से 3-3 फंदे बनाना है, 1, 2, 3, फिर सीधा बुनते हुए 1, 2, 3, ऊन अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा। तो इन्हीं 6 फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। यह हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, और देखिए ये हमने 1 से 3 फंदे बनाए थे, तो इन्हें हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है, 1 और ये 2, इन दोनों फंदों को हमें, जो हमने 1 से 3-3 फंदे बनाए थे, इन्हें हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा उल्टा, 2 फंदे को स्लिप करना है, जो हमने सामने की तरफ से 1 से 3 बनाया था, इन दोनों फंदों को हमें बिना बुने दूसरी तरफ स्लिप कर लेना है। इन दोनों फंदों को हमने स्लिप कर लिया, फिर अगले 2 फंदे उल्टे, नेक्स्ट 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा स्लिप करना है, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा स्लिप करना है, 2 फंदा उल्टा। इन्हीं 6 फंदों को बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट होती है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब इन तीन फंदों में हमें ट्विस्ट करना है, तो इन तीनों को ऐसे गिराएंगे, उल्टा बुना हुआ दो फंदा इसे बाईं सिलाई में ले लेंगे और एक से तीन किया हुआ फंदा इसे हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और सामने की तरफ से ऐसे खींचते हुए हम लाएंगे और वापस बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे और फिर इसे हम नीट वाइज यानी इस तरह हम बुनेंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा। फिर अगले तीन फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो दाहिनी सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से ले जाएंगे और दो उल्टे फंदे जो है इन्हें हम दाहिनी सिलाई में ले लेंगे। फिर बाईं सिलाई में ये हम एक से तीन किया हुआ फंदा सामने की तरफ से बाईं सिलाई में लेके ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, फिर इन दोनों को भी हम बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और फिर दो फंदा उल्टा और एक से तीन किया हुआ फंदे को यहाँ पे हम तीन से एक कर देंगे। इसको ऐसे सीधा करेंगे, एक से तीन से एक कर देंगे। फिर वापस हमारे छः फंदे से छः फंदा हो गया। अब फिर हम नेक्स्ट डिज़ाइन तीन फंदों को आपस में ट्विस्ट करना है। इन तीनों को गिराएंगे पीछे की तरफ से, पहले दो फंदे को हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और एक से तीन किए हुए फंदे को सामने की तरफ से दाईं सिलाई में ऐसे खींचते हुए वापस चढ़ा देंगे। अब इन तीन फंदों को हम तीन का एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, फिर दो फंदा उल्टा। फिर अब नेक्स्ट तीन फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है। पीछे से दो फंदे को हम दाहिनी सिलाई में लेंगे और सामने की तरफ से एक से तीन किए हुए फंदे को बाईं सिलाई में लेंगे। ऐसे सामने की तरफ से ऐसे लाएंगे और दाहिनी सिलाई वाला फंदा बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे। इन दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को हम ऐसे सीधा करेंगे उन दूसरी ओर और इन तीन फंदों को वापस हम एक कर लेंगे, तीन का एक कर लेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा डिज़ाइन तीन फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है। तीन फंदों को गिराएंगे, पहले दो फंदे को बाईं सिलाई में पीछे की तरफ से और तीसरे फंदे को दाहिनी सिलाई में सामने की तरफ से लेंगे और ऐसे खींचते हुए ऐसे बाईं सिलाई में चढ़ा लेंगे। फिर इन तीन फंदों को वापस हम तीन से एक कर लेंगे सीधा बुनते हुए, उन अपनी ओर दो फंदा उल्टा। नेक्स्ट तीन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तीनों फंदों को गिराएंगे, एक से तीन किए हुए फंदे को बाईं सिलाई में सामने की तरफ से लेंगे और दो उल्टे फंदे को दाहिनी सिलाई में पीछे की तरफ से ऐसे करेंगे और वापस बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक से तीन किए गए फंदे को वापस तीन से एक करेंगे, इसको ऐसे सीधा करेंगे, वापस तीन से एक कर देंगे। इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन है।
तो इसमें पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और देखिए ये दूसरा फंदा है, तो इसमें हमें एक से तीन करना है। एक फंदा सीधा बुना, ऊन चढ़ा कर वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर अगला इसी में एक और सीधा फंदा। एक से हमने तीन फंदा कर लिया। अब उन अपनी ओर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर उन दूसरी ओर और अगले फंदे में हमें एक से तीन करना है। एक सीधा बुना, ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ लाएंगे, दूसरा फंदा हो गया और इसी में एक और फंदा बुनेंगे तो तीसरा फंदा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। अब ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा डिजाइन, एक फंदे से हमें सीधा बुनते हुए तीन फंदा करना है, दो तीन, फिर उन अपनी ओर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। पांचवें फंदे में हमें वापस एक से तीन करना है। एक फंदा सीधा बुन लिया, ऊन चढ़ाकर वापस दूसरी तरफ, अगला फंदा सीधा, तो हमने एक से तीन फंदा कर लिया। यहाँ पे हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा तीसरा डिजाइन स्टार्ट होता है। एक से तीन करेंगे, एक दो तीन, हमने एक से तीन फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। छठे फंदे में हमें वापस एक से तीन करना है, एक दो तीन। तो यहाँ पे छह फंदे का डिजाइन ये कंप्लीट होता है। इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, ये डिजाइन का छठा लाइन है। पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमने ये एक से जो तीन फंदे बनाए हैं, एक से तीन फंदे, इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। फिर चार फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन चार, पांच फंदे हो गए। छठे फंदे को हमें स्लिप करना है, जो हमने एक से तीन फंदे बनाए थे इसे हमें स्लिप कर लेना है। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से दूसरा डिजाइन स्टार्ट होता है। तो ये एक से तीन किया गया फंदा है, इसे हम स्लिप करेंगे। चार फंदा बीच में जो उल्टा बुना गया है उसे पीछे से भी उल्टा बुनेंगे और ये छठा फंदा, इसे हमें स्लिप कर लेना है। ये दूसरा डिजाइन कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट तीन फंदा हमें, एक से तीन किया गया फंदा इसे हमें स्लिप करना है, चार फंदा उल्टा बुनना है, नेक्स्ट फंदा हमें स्लिप करना है। तो इन्हीं छह फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब इन तीन फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है, तो उल्टे फंदे, दो उल्टे फंदों को हम दाहिनी सिलाई ले लेंगे और फिर पहले फंदे को, एक से तीन किए गए फंदे को सामने की तरफ से बाईं सिलाई में ऐसे खींचेंगे और फिर उल्टे फंदे को भी हम बाईं सिलाई में चढ़ा देंगे और दो फंदा उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, उन दूसरी ओर। ये एक से तीन किया गया फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, तीन से एक करेंगे। फिर नेक्स्ट तीन फंदे हैं, इन्हें हमें आपस में ट्विस्ट करना है, इन्हें हम ऐसे गिराएंगे, इसे ऐसे करना है और इसको हम इस तरह चढ़ा लेंगे, तीन से हमें एक करना है। फिर उल्टे फंदे को हमें उल्टा बुन लेना है। तो पहला फंदा एज स्टिच, इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। तीन फंदों को हमें आपस में ट्विस्ट करना है पीछे से, हम दूसरे तीसरे फंदे को दाहिनी सिलाई में और सामने की तरफ से पहले फंदे को जो हमने एक से तीन किया था उसे बाईं सिलाई में लेंगे।
ऐसे आपस में ट्विस्ट कर देंगे, उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, सीधे वाले फंदे को ऐसे घुमा के सीधा करेंगे, फिर इन्हें हम वापस में वापस तीन से एक कर देंगे। नेक्स्ट तीन फंदों का हमें आपस में ट्विस्ट करना है, डाइजेस्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा सातवां लाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का आठवां लाइन है। तो आठवें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।